वर्ड में मेलिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले क्या करेंगे, एक्सेल में डेटा तैयार करेंगे। पहले से यदि बना है तो बढ़िया है, देख लेते हैं पहले से बना है कि नहीं। यहाँ देखिए बना हुआ है कुछ, तो इसमें छोटा ही है, कोई खास नहीं है। तो इसमें क्या-क्या फील्ड डालें, जैसे हो गया आपका इस बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, फिर खुद का नाम, फिर फादर, इसके बाद है इसमें मदर, रोल कोड, रोल नंबर, और क्या होता है, सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कितने विषय हो गए, 5। टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, और इसके साथ आप चाहें तो फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फोटो भी हम ट्राई करते हैं। अब इसमें डिटेल में मान लीजिए कि BSEB पटना कर दिए, स्कूल का नाम लिख देते हैं श्री श्री 108 आटा, इसके बाद है नाम, नाम बताइए, छोटू कुमार, फादर नेम वी जिंद्र चौहान, मदर राही देवी, ठीक है। रोल कोड 76019, रोल नंबर हिंदी में सपोज 60 मिला आपको, इंग्लिश में 70, मैथ में 72, 60, 40। अब टोटल करना है तो यहाँ पर क्या करें, आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको ऑटो सम कर दीजिए, जोड़ देगा, इसको नहीं करना है। इसमें क्लास तो हम लोग भूल ही गए, नहीं क्लास, ठीक है। परसेंटेज बराबर का चिन्ह दे दिए, इतना बटा में कितना विषय, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दिए। डिवीजन बाद में तय कर लेंगे हम लोग। ऐसे ही और लोगों का भी डिटेल इसमें डालना होगा। बताइए, कृष्णा केशरी, ओहो सॉरी, यहाँ पे होंगे आप, बिहार बोर्ड ही है आपका है। और स्कूल का नाम बताएं, स्कूल का नाम बताइए, अच्छा विश्वास वही है, अच्छा। फादर,
मदर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये स्पेस थोड़ा डबल क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं इसको एडजस्ट करने के। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर हैं, 76019 2000102, ये भी इनका 10th ही हो गया। 40 50 50 40 ऐसे करके कर लिए। अब इसमें पकड़ के केवल ऐसे खींच देना है, ये अपने से सब ले लेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब एक और व्यक्ति का लिखेंगे जो थर्ड होंगे। कोई स्कूल का नाम बताइए। नहीं, मैट्रिक वाला। चलिए किसान ही लिख देते हैं। कॉलेज यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए। नाम फादर मदर निर्मला देवी। रोल कोड यहाँ देखिए, ये गायब हो रहा है, तो यहाँ सिंगल कोट लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अब इनको और कम नंबर दिया जाएगा। नहीं, तो ये हो गए फर्स्ट, ये हो गए सेकंड, और ये हो गए थर्ड। हम अपने से बताने दे सकते हैं, पर क्या है कि अभी ये मेलिंग सीख रहे हैं लोग, एक्सेल नहीं, तो वो तो बताता ही है कंप्यूटर। इफ कंडीशन लगाएंगे तो ये बता देगा कौन फर्स्ट कौन सेकंड, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हो जाएगा वो भी बराबर, इफ यदि ये बड़ा या बराबर है 60 के तो फर्स्ट। फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यदि ये बड़ा या बराबर है कितना के, 45 के, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। यदि ये बड़ा या बराबर है 30 के, तो थर्ड, और नहीं तो फेल। इंटर दबाइए, बता दिया खुद से। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब रही बात फोटो लगाने की, फोटो लगाने के लिए पहले हम लोग कुछ फोटो अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से सर्च कर लेते हैं फोटो। यहाँ कुछ फोटो ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक फोटो ये है, एक फोटो ये है। कितने लोग हैं, तीन है, तो एक और लेना है। चलिए एक फोटो ये है, तो कॉपी कर लिए, लेकिन इसमें लड़कों का ही है, तो एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लिए, और एक ये, तीन। अब कहीं भी रख लीजिए, किसी ड्राइव में, जैसे ई में हम रख लेते हैं। किस नाम से, मेल मर्ज फोटो करके रख सकते हैं।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अलग से रहे, ठीक है। अब फोटो का नाम भी एक सिंपल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हम इसको चुन लेंगे ताकि वहाँ बार बार जाने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो फोटो का रास्ता देना है ताकि वहाँ पर फोटो आ जाए। इंसर्ट में गए, लिंक, और कहाँ थे, ई ड्राइव में ना। तो ऐसे करने से भी नहीं आता, ये प्रॉब्लम ये है, इसको क्लिक करना पड़ता है और ओके लग गया। इसी तरह से फिर से बार बार आपको करना पड़ेगा। और भी तरीके हो सकते हैं उसके, पर फिलहाल इसका ही उपयोग करेंगे हम लोग। इतना करने के बाद यहाँ कंट्रोल एच कीजिए और बैक स्लैश, और यहाँ लगाइए डबल बैक स्लैश। यहाँ पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ये क्या हो गया, ये डबल हो गया, देखिए हो गया कि नहीं, फोटो लग गया, ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, बल्कि उसी में कर लेते हैं जहां हम अभी रख रहे थे, मेल फोटो में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम भी यहां दे सकते हैं। इसके बाद कहां जाएंगे, वर्ड में, और यहाँ जाने के बाद आप इसको बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा दें ताकि बेहतर ये दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है आपका बोर्ड का नाम, यहाँ स्कूल का नाम देना चाहते हैं आप, और यहाँ से आप चाहें तो एक लाइन खींच सकते हैं अंडरस्कोर वाली, फिर यहाँ पर बाकी स्टूडेंट नेम और क्या, रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है। ठीक है, नेम हो गया, रोल कोड, रोल नंबर, फिर क्या थे, फादर, फादर्स नेम होगा, फादर्स नेम, फिर यहाँ टैब दबा सकते हैं, फिर मदर्स नेम हो गया, और क्या था, क्लास, क्लास तो हम यहाँ भी डाल सकते हैं, नहीं हमारे पास जगह है, और सब्जेक्ट के बाद रोल कोड, रोल नंबर वही गया, फिर एक हैश करके, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ कर दें कि अलग अलग दिखे तो कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट, फिर क्या है, फुल मार्क्स, पास मार्क्स, मार्क्स ऑब टेंड, मतलब कितना मिला है, नहीं उसी तरह से जैसे यहाँ पे कर दिए, हिंदी हो गया 100, पास में हो गया 30, कितना मिला है वो तो बात की चीज है। इसको एक बल्कि बॉक्स बना देते हैं हम लोग, इंसर्ट में टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दीजिए, नहीं
तो यहाँ पर ये खाना एक्स्ट्रा इसलिए आ गया है कि वहाँ टैब का उपयोग किया गया था। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा बन गया। ऐसा कुछ इसके बाद अब यहाँ टैब दबाते रहिए। नहीं, हिंदी के बाद क्या है, इंग्लिश हो गया, फिर मैथ, साइंस, फिर SST, फिर टोटल परसेंटेज, नहीं डिवीजन, ऐसा कुछ। इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर देंगे, नहीं इसको चाहें तो बॉक्स बना के हटा भी सकते हैं ऐसे, क्या इसको रिपीट कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट, इस सबको बीचों बीच भी कर सकते हैं। नहीं, ये हो गया। अब इसमें आपको वो डालना है डिटेल, क्या तो यहाँ पर मेलिंग में जाइए और सेलेक्ट रेसिपिएंट कर लीजिए, टाइप ए न्यू लिस्ट तो करना नहीं है, यूज एन एग्जिस्टिंग करेंगे जो पहले से हम वहाँ रखे हुए हैं कंप्यूटर के ई ड्राइव में रखे हैं, मेलिंग मेल फोटो में। अब देखिए यहाँ ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर से ही बल्कि कर लेते हैं, बोर्ड पूछ रहा है तो पहले बोर्ड ही डाल दीजिए, इंटर दबाइए। इससे क्या होगा कि क्रम हमारा बना रहेगा, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे नाम हो गया, ये क्या हो गया कोड। फिर क्या हो गया रोल नंबर। अच्छा ये भाग रहा है तो इसका उपाय है, ऐसे कर लीजिए तो ये बता देगा कि कहाँ कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं, क्लास, फिर हो गया फादर नेम, फिर डिलीट, फिर यहाँ हो गया मदर, आता जा रहा है, फिर यहाँ आपका हो गया ऑब्टेंड, क्या हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, SST, टोटल परसेंटेज, ओहो तो गड़बड़ है, डिवीजन। अभी फोटो भी लगाना बाकी है इसमें, इसको हम लोग बीच में कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्टाइलिश कर देते हैं, स्कूल को भी बीचों बीच कर देते हैं, इसको भी कोई एक अलग से दे देते हैं। ये आपके ऊपर है, जितना सजाना चाहें जितना बनाना चाहें। स्टूडेंट का नाम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, मदर यहाँ, ठीक। ये वाला थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, नहीं तो ये हो गया आपका। सिग्नेचर चाहिए तो अलग से सिग्नेचर आप लगा लीजिए। फोटो किधर लगाया जाए? क्लास के ऊपर यहाँ लगाया जा सकता है, नहीं? चलिए इंसर्ट में गए, सेव में गए और यहाँ पर है ये टेक्स्ट बॉक्स, एक फोटो के लिए हमने जगह बना दिया, कहीं भी बना सकते हैं आप।
अब यहाँ क्या करना है आपको, अल्ट के साथ F9 बटन दबाना है। तो ऐसा ये कोड कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ F9, फिर लिखना है इंक्लूड पिक्चर, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फिर मेलिंग में जाइए और यहाँ जाके कर दीजिए फोटो, और फिर कर दीजिए इसको बंद इन्वर्टेड कॉमा से, फिर अल्ट के साथ फिर F9, फिर दबाइए F9। यहाँ तो आना चाहिए था, नहीं आया क्यों नहीं? अच्छा चलिए प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या हुआ, आया या नहीं आया। ये पहले का बन गया है, दूसरे का बन गया है और ये तीसरे का बन गया है। बन तो सभी का गया है, लेकिन ये जो फोटो है नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे? यहाँ तक तो ठीक है, इंक्लूड। अच्छा इसको बंद नहीं किए हैं शायद, इसलिए क्या सेव नहीं किए हैं। इंक्लूड पिक्चर, यहाँ तक तो ठीक है। अल्ट F9, फिर F9, ये कर नहीं रहा है। फिर से अल्ट F9, कंट्रोल F9, इंक्लूड पिक्चर, फिर इन्वर्टेड शुरू, फिर मेलिंग में गए और यहाँ से फोटो किए, फिर इन्वर्टेड ले लिए, फिर अल्ट F9, फिर F9। ओहो समझ में आ गया, F9 क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से। ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हमारा रुक गया।